और इनके कंधों को मजबूत कीजिए और पूरे भोजपुर जिला को इतना मजबूत कीजिए कि आने वाले विधानसभा लोकसभा में कम से कम हम लोग एक विधायक यहाँ से अपने हम पार्टी को चुनाव जीतते जाए। साथियों, संगठन कैसे बढ़ता है, हम संगठन की बात करते हैं। अब मान के चले एक जिलाध्यक्ष है, कार्यकारिणी होगा, जितने भी प्रखंड होंगे, वार्ड अध्यक्ष होंगे, हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहिए। दूसरी चीज, पहचान करेगी, आप उनके लिए काम कीजिए, तो मुझे आने वाले समय में विश्वास है कि आप लोग इस पे काम करेंगे। और इसी चंद शब्दों के साथ आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो बेहिचक बात कीजिए, संगठन को लेके चुकी हम। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये संवाद है, कार्यकर्ता संवाद है, क्योंकि पूरे बिहार में हम पार्टी का संवाद कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में अपने संगठन को मजबूती को लेकर। नहीं, पहले से हमारी टीम यहाँ काम कर रही थी और हमारे जो मिश्रा जी है साथ में है और काफी संख्या में लोग आज जुड़े हैं पार्टी संगठन से और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में बल्कि चूंकि हम लोग एनडीए का हिस्सा है और अगर यहाँ से हमको टिकट मिलती है, क्योंकि लोकसभा तो बीजेपी का स्वाभाविक लोकसभा का टिकट है, तो हम लोग एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े और आने वाले 25 में हम लोग इतने संगठन को मजबूत करेंगे कि कम से कम 2 विधानसभा यहाँ चुनाव लड़ेंगे। मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हमारे प्रखंड में कैसे मजबूत किया जाए, वार्ड को कैसे मजबूत किया जाए, पंचायत को कैसे मजबूत किया जाए, इसी विषय में कार्यकर्ता से संवाद कार्यक्रम हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की? देखिए, एनडीए का बहुत एजेंडा साफ है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत अग्रसर है रेलवे के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, हम उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम लोग जीतन राम मांझी के पार्टी से जुड़े हुए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है आज इस संवाद के तहत? बिल्कुल, जिम्मेवारियां सौंपी गई है हमारे जो है इनको, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाएगी, क्योंकि अभी चिट्ठी हम लोग नहीं लाए हैं, आने वाले समय में इनको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से संवाद का मुख्य उद्देश्य हमारा है, हमारे पार्टी का, हमारे पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का है कि हम लोग कैसे मजबूत बने। पूरे 14 प्रखंड में भोजपुर जिला में हमारी मजबूती हर एक वार्ड में हो, हर एक पंचायत में हो, इवन बूथ लेवल तक हो, उसकी तैयारी में आज हम लोग बैठक किए हैं। बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग हर जगह पे कैसे मजबूत हो। एनडीए का हिस्सा है आप और आगामी चुनाव है लोकसभा और विधानसभा, किस तरह की रणनीति होगी यहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इंटैक्ट है, एनडीए के पार्ट है हम लोग। एनडीए से जो भी उम्मीदवार आएंगे हम लोग पूरे डट करके उनको जिताने का काम करेंगे। सातों विधानसभा में क्या एक विधानसभा की मांग होगी यहाँ से? विधानसभा तो कई हो सकते हैं, जैसे हम पार्टी से हम लोग एनडीए की पार्टी है, लेकिन क्या हम उम्मीदवार भी उतारेगी? हम पार्टी का भी उम्मीदवार होगा आने वाले विधानसभा में, निश्चित होगा। हम लोग इसीलिए तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है।